Assalamualaikum, it's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी guys, अब मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो मैथ्स अगर आपको समझनी है कंटिन्यू, तो आप पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हर जो अपलोड वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एंड आप मैथ्स का कोर्स कंटिन्यू समझ सकें एंड कंप्लीट कर पाए. ठीक है गाइस, सो जी आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या समझने जा रहे हैं. तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 समझेंगे. तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट करते हैं. जो स्टेटमेंट गिवन है ट्यूटिकली, व्हाट डज ही से, वो क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है. देखिए, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो आप एक बात ध्यान में रखते, अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड. वो इक्वेशंस को ही देखकर हम समझेंगे, कंक्लूड करेंगे कि कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है मींस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे. ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे. तो यहां पर कह रहा है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और अदरवाइज. ठीक है, यहां पर बाउंड कर रहा है इक्वेशन सॉल्व करनी है कि उस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और अदरवाइज और कोई भी मेथड यूज करें. ठीक है, तुम्हें थोड़ी लीनियंसी जरूर दे रहा है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करें या और कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन को. इक्वेशन जो गिवन है पार्ट 1 में 2t माइनस 1 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 5t माइनस 1, ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 13. ठीक, सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है मींस वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो है टी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे, सो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन, पहले 2t माइनस 1 फैक्टर को 5t माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन को लिखा, अब दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2t 5t माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 1 जो है उसको भी 5t माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 13 sin. ठीक है, इस स्टेप में अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या किया है, फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर 2t है उसको हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लिखा. उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड नंबर वो भी मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं हर टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम सेकंड कह रहे हैं माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 7. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2t मल्टीप्लाई करेंगे 5t के साथ, तो पहले नंबर देन है 2 5 10, टी मल्टीप्लाई टी के साथ करेंगे टी स्क्वायर. ठीक, माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई बाय 1 तो सिंपली 2t ही रहेगा. ठीक, माइनस 1 मल्टीप्लाई 5t के साथ, माइनस 1 5 का 5t. उसके बाद साइन माइनस की, यहां का साइन माइनस की है, नेक्स्ट नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन का ख्याल रखना है. माइनस 2 माइनस प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू 30. ठीक है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन किए. अब देखिए 10t स्क्वायर, यहां पर माइनस 2t है माइनस 5t है, दोनों नंबर
13 इस साइड का रहेगा माइनस 13 इक्वल टू 0, क्योंकि 13 इस साइड पे आ गया तो साइड बाय के 0 13 शिफ्ट हो गया। ठीक, 10 t स्क्वायर माइनस 17 प्लस 1 माइनस 13, दोनों रियल नंबर्स कांस्टेंट है, 13 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, प्लस माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो t यूज हो रहा है उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर अगर 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यहां तक सिंपली इसकी सिंपलीफिकेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कह रहा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई हो सकता है और कोई इक्वेशन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं यूज होगा। सही है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो उनके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो हम लेते हैं बाय अप्लाइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होता है वो ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप ये होता है, तो देखिए यहां पर जो वेरिएबल 2 है तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 मतलब t स्क्वायर, तो t स्क्वायर जो वेरिएबल पे पावर 2 है तो वेरिएबल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपको पहले रिमूव करना है, हटाना है पास, फर्स्ट स्टेप ये। ठीक, जो वेरिएबल मींस वेरिएबल पे पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस वेरिएबल स्क्वायर, वेरिएबल कौन सा है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से हटाना है, मतलब 10 यहां से रिमूव करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करनी है तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 यहां से हटा है, अगर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, यहां पर t है तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट नहीं, t स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट यहां से रिमूव करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर फॉलो करना है तो पहले ये स्टेप आपको अप्लाई करनी होगी, कौन सी, t स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो हटाएंगे हम लेके बाय डिवाइडिंग 10 विथ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या सेटर है, कौन सेटर है, 10 का ना, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है, 10 रिमूव करना है, क्यों रिमूव करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो करना है तो उसमें ये आता है, तो 10 डिवाइड करेंगे, 10 यहां से हटेगा कैसे, 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 10 में रिमूव हो जाएगा। सो देखिए 10 t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 t डिवाइडेड बाय 10 विद ईच टर्म लिखा है, हर टर्म से डिवाइड करेंगे माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 10 विद ईच टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हर टर्म से डिवाइड करना है, तो डिवाइड किया लिखा मैंने। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप था जो आपके सामने मौजूद है। अब देखिए 10 10 से डिवाइड हो गया, बाकी आपका सिंपली t स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 की एंड देन माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये आंसर आया। ठीक है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव हो चुका है। सो अब क्या करेंगे उसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल पे पावर 2 वेरिएबल स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाना, नेक्स्ट स्टेप ये है कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करें ऑन दी अनदर साइड, नेक्स्ट स्टेप ये है कांस्टेंट नंबर में जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं हो, तो नेक्स्ट स्टेप है 7
वो कैसे प्लांट किया मतलब सेकंड स्टेप ये था। स्टेप वन वेरिएबल स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करना, स्टेप वन परफॉर्म करने के बाद सेकंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को हटाना, हट गया। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, कोई क्वेश्चन नंबर नाम दे रहे हैं टू का, ये क्वेश्चन वन थी तो क्वेश्चन टू वो बन गई, ठीक है। अब यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये कंप्लीट एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो उसमें अब देखिए फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ये बीच में टर्म आ जाएगा, उसके बाद इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर हम ले आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में वेरिएबल स्क्वायर पे, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या हमने रीड किया है, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का, ठीक। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में देखिए फर्स्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर, ये बीच में कहेंगे मिडिल टर्म, इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, मिडिल टर्म चाहे कुछ भी हो, लास्ट टर्म जो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर था पहले उस कांस्टेंट नंबर को हमने यहाँ से हटा दिया है। क्यों बताए, क्योंकि इसकी पोजीशन पे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले आना है हमें, जिसको कहेंगे लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म लास्ट टर्म, वो लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर होगा तभी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में साथ होगा, ठीक है। अब ये लास्ट टर्म इसको बोलेंगे, कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म इसके साथ लास्ट टर्म मींस थर्ड टर्म जो वो परफेक्ट स्क्वायर ले आना है। कैसे ले आएंगे देखिए, नाउ वी फाइंड एलटी लास्ट टर्म, एलटी मींस लास्ट टर्म बाय यूजिंग लास्ट टर्म फाइंड करने का फार्मूला है मिडिल टर्म होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म फाइंड करने का फार्मूला है मिडिल टर्म होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म कौन सा है, ये मिडिल टर्म कंप्लीट माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 टी होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सिंपली टी स्क्वायर, सही है। मिडिल टर्म साइन के साथ के काउंट किया है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, नेगेटिव नंबर पे होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 10 का स्क्वायर 100 एंड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टी स्क्वायर, सही है। होल स्क्वायर का 3 नंबर्स है 3 के स्क्वायर दिया डिवाइडेड बाय 4 टी स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर में नंबर फ्रैक्शन में मौजूद है, डिनोमिनेटर सिंगुलर, तो इस डिनोमिनेटर नंबर के डिवाइड में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर फ्रैक्शन में आई है तो डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें एंड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 49 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 टी स्क्वायर, सही है। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर में कैंसिल हो गया, बाकी लास्ट टर्म की वैल्यू मिली 49 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 400 लास्ट टर्म वैल्यू मिली 49 अपॉन 400, ठीक है। अब जो ये लास्ट टर्म मिला है ये लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, न्यूमरेटर में 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20, तो अब लास्ट नंबर जो मिला है, नाउ वी ऐड 49 डिवाइडेड बाय 400 ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 जो यहां पर हमने लेफ्ट की है इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे इस लास्ट टर्म को, ठीक है। तो देखिए पहले इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, 7 डिवाइडेड बाय 10 की इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी मैंने सिंपली, ठीक है। अब इस इक्वेशन की बोथ साइड पे ऐड करेंगे इसको 49 अपॉन 400 को, सो देखिए t स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 10 की ऐड करने जा रहे हैं 49 डिवाइडेड बाय 400 12 डिवाइडेड
प्लस किया है, ठीक है। सो ये देखिए प्लस हुआ दोनों साइड पे, ठीक। आप देखिए टी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। लास्ट नंबर जो है 49 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर कन्वर्ट किया, सही है। फर्स्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को शिफ्ट कर क्यों रहा हूं, फार्मूला बन रहा है, यहां पर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इनटू ab, ये प्लस b स्क्वायर, प्लस की साइन। तो ये फार्मूला इक्वल a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल होगा। परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए उसका फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर ले आना है जो फाइंड किया। अब मिडिल में टर्म जो यहां पर आना चाहिए फार्मूला के हिसाब से माइनस 2 मल्टीप्लाई ए ए मींस ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बी बी मींस ये सेकंड टर्म 7 डिवाइडेड बाय 20, सही है। टर्म लिखा लें, सो इसके साथ आप देखें 2t 7/20 2t 7/20 2 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 10 टाइम 70/10 है, वापस वही टर्म फॉर्मूला के हिसाब से लिखा, लिखने के बाद जो टर्म मिला वो सेम है, सही है। मैं सिर्फ पहले टर्म 2ab की तरह इसको लिखा है, सेम वही है जो उसके ऊपर गिवन है, ठीक है। उसके बाद b स्क्वायर सेकंड टर्म पे स्क्वायर है, अब इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। सो आप देखें फॉर्मूला क्या है, a means first term that is t माइनस साइन, ठीक, माइनस b b means जो ये से b स्क्वायर मिडिल टर्म को छोड़ दें, मिडिल टर्म ये से ना मिला है, b means लास्ट टर्म 7 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर आ गया। कंप्लीट फॉर्मूला की तरह चलता है ये फॉर्मूला, इक्वल टू दिस वन, तो ये कंप्लीट टर्म इक्वल टू दिस टर्म, ठीक। अब राइट हैंड साइड की टर्म है, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, दोनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन के नंबर अगर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो उनकी एलसीएम लेंगे, 10 एंड 400 की एलसीएम। दोनों नंबर्स को 10 का टेबल लग सकता है, 1 टाइम 10 को डिवाइड करेंगे 40 टाइम, अब 40 है 40 को 50 40 का टेबल लगेगा, छोटे नंबर डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, सही है। फैक्टर्स में 10 एंड 40 10 40 सा 400 400 इज एलसीएम, माने नंबर की दोनों की एलसीएम मिली 400, ठीक। फर्स्ट नंबर तो है कि अपॉन में 10 है, तो 10 को आप डिवाइड करें एलसीएम में 400 से, 10 एलसीएम 400 है तो 400 को डिवाइड करें 10 के साथ, तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे बाकी यहां पर क्या बचेगा 40 रह गया, तो 40 12 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, प्लस 49 49 के बाद में 400 एलसीएम भी 400 है, तो एलसीएम 400 को आप इस 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 400 में डिवाइड हो गया खत्म, ठीक। तो मेरे 49 सेम है, सही है। तो आप देखें इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 से, तो 400 एंड 80 माइनस प्लस 49 डिवाइडेड बाय 400, सही है। अब उसके बाद t माइनस 7 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर 7, अब इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे हम, तो दोनों को आपस में प्लस करेंगे 529 डिवाइडेड बाय 400, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना है, माने वेरिएबल t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर t जो टर्म है उस पे होल स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तभी जाके टी आजाद होगा, सिंपल एक सिंपल टी बचा है बाकी, तो स्क्वायर कैसे हटाएंगे, स्क्वायर हटाना है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस
सी ट्रिगोनोमेट्रिक स्क्वायर रिमूव करनी है तो स्क्वायर रूट टेक आउट करें। सो देखें b माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर रूट 529 400 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। सो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी t माइनस सेवन अपॉन 20 टर्म आसान आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। And then उस साइड पे नंबर 529 डिवाइडेड बाय 400 इनके स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करेंगे। सो जी स्क्वायर रूट ऑफ 529 दैट इज 23, 400 का स्क्वायर रूट 20 प्लस माइनस आएगा। वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट में से आजाद हुआ है कांस्टेंट नंबर के आगे प्लस माइनस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब t फाइंड करना है, t के साथ ये टर्म माइनस हो रहा है, साइन पे शिफ्ट करते हैं या दोनों नंबर्स को अलग अलग देखें आप कैसे। t माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 20 पॉजिटिव, t माइनस 27 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू माइनस 23 डिवाइडेड बाय 20 नेगेटिव, सही है। क्योंकि आप देखिए वहां पर प्लस एंड माइनस दोनों साइन थी तो इसलिए पॉजिटिव अलग किया नेगेटिव को अलग कर दिया। अब t के साथ ये टर्म माइनस हो रहा है तो साइड पे अगर शिफ्ट करेंगे ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि t आंसर करना है, ठीक। दोनों टर्म्स प्लस हो रहे हैं फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, सेम मींस दैट इज एलसीएम 20। सो न्यूमरेटर में टर्म्स सिंपली आपस में प्लस करेंगे क्योंकि जो एलसीएम है वही उन दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं, सिंपल प्लस करें। तो t इज इक्वल 23 प्लस 7 होगा 30 डिवाइडेड बाय 20, ठीक। सो वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 00 में कैंसिल, बाकी 3 अपॉन 2, सो एक वैल्यू t की 3 अपॉन 2 मिली है, सही है। सो हमने ये समझा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस वेरिएबल पे पावर 2 तो उस वेरिएबल की दो वैल्यूज मिलेगी, एक t की वैल्यू सेकंड वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। माइनस सेवन अपॉन टू साइड पे शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, ठीक। अगेन फ्रैक्शन के टर्म एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर्स की होगी तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 20। सो न्यूमरेटर 23 माइनस 3 7 प्लस में है क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है तो उसके न्यूमरेटर्स को सिंपली आपस में प्लस या माइनस है उसे लिखो। सो t इक्वल टू 23 माइनस में 7 प्लस में, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो प्लस या माइनस करेंगे तो नेगेटिव 16 यहां पर रहेंगे, ठीक। सो इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू माइनस दोनों को 4 और टेबल डिवाइड हो सकता है, 4 4 आर 16 एंड 4 5 आर 20, सेकंड वैल्यू ऑफ t इज -4 अपॉन 5, सही है। सो ये हो गया सॉल्व, सॉल्यूशन मींस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड की तो फाइनली इसका हम आंसर लिखेंगे, इस पोर्शन में लिखता हूं आंसर, हैंस सॉल्यूशन एस एस मींस सॉल्यूशन सेट, एस एस मींस सॉल्यूशन सेट लिखेंगे ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले हमेशा जो वैल्यू छोटी होती है वो लिखेंगे बड़ी बात में, 3/2 और वो -4/5 दोनों में छोटी वैल्यू नेगेटिव है इसको पहले लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में कॉमा सेकंड वैल्यू 3/2 ब्रैकेट ओवर आंसर, ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्यूशन से मेथड अप्लाई किया हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ ही सॉल्व किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेंथी जरूर है सिंपल है, मेन चीज इसमें स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, सॉल्व किया फाइनली आंसर आपके सामने है, इसका आंसर हमेशा सॉल्यूशन सीट में लिखा जाता है एस एस, पहले हमेशा छोटी वैल्यू देन बड़ी वैल्यू मिडिल ब्रैकेट ओवर एंड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है समझ में जरूर आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है कोई भी स्टेप उस स्टेप को आप अगेन एंड अगेन समझने की कोशिश करें समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स छोड़ दें उसका आपको आंसर मिलेगा एंड आप, ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।